रेडी स्टार्ट। कुछ राजनीतिक दल किस तरह गैर जरूरी मसलों को बेवजह लंबा खींचते हैं और ऐसा करके अपना और साथ ही देश का वक्त जाया करती हैं। इसकी ही मिसाल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की 50% मतदान बाद की पर्चियों का मिलान करने की जिद। पता नहीं 21 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई इस दलील पर क्या कहेंगे कि 50% मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से करने से चुनाव नतीजे घोषित होने में 6 से 9 दिन की देरी हो सकती है। लेकिन हैरत नहीं कि वे यह कह दें कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, विपक्षी दलों का एकमात्र मकसद यही जान पड़ता है कि किसी तरह ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर संदेह पैदा किया जाए। वे एक अरसे से ईवीएम के खिलाफ बिना किसी सबूत के शरारत भरा अभियान छेड़े हुए हैं। यह अभियान संकीर्ण स्वार्थों से प्रेरित है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि करीब 4 महीने पहले ही कांग्रेस ने 3 राज्यों में भाजपा को पराजित किया है। इसके पहले भी उसने गुजरात में उल्लेखनीय जीत हासिल की थी। तथ्य यह भी है कि अतीत में दिल्ली, बिहार, पंजाब आदि के चुनाव नतीजे भी ईवीएम से ही निकले थे और उनमें भाजपा की हार हुई थी। इसी तरह 2004 और 9 के लोकसभा चुनावों के नतीजे भी ईवीएम आधारित थे। आखिर बीते 2-3 साल में ऐसा क्या हुआ है कि ईवीएम को बदनाम करने का सिलसिला कायम हो गया है? ईवीएम को संदिग्ध बताने के लिए किस तरह छल छद्म का सहारा लेने से भी बाज नहीं आया जा रहा है। इसका एक प्रमाण दिल्ली विधानसभा में एक नकली ईवीएम की नुमाइश से मिला था और अभी हाल में लंदन में एक तथाकथित हैंकर के हास्यास्पद दावे से। विडंबना यह है कि ईवीएम विरोधी अभियान को कुछ राजनीतिक दलों के साथ मीडिया का भी एक हिस्सा तूल देता है। बाद में ऐसी दलीलों की आड़ भी ली जाती है कि अब अगर ईवीएम को लेकर संदेह उभर आया है तो फिर उसे दूर किया ही जाना चाहिए। अगर इरादा ही नित नए संदेह पैदा करना है तो फिर उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। हैरत नहीं कि कुछ दिनों बाद राजनीतिक दल यह मांग करने लगें कि 100% मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए। ध्यान रहे कि कुछ दल ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग कर रहे हैं। यह कुछ वैसी ही विचित्र मांग है जैसे कोई ट्रेन दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए बैलगाड़ी से यात्रा को बेहतर बताए।